हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मूव के बारे में। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी गाइस की सर पोस्ट मूव बताइए, पोस्ट मूव बताइए। तो आज मैं आपके साथ थ्री बेस्ट एंड इफेक्टिव पोस्ट मूव शेयर करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप मैच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिए। रिंग की तरफ जाएंगे, ड्रॉप स्टेप डाला, ड्रॉप स्टेप डालने के बाद ड्रिबल डाली, हार्ड कर दिया और थोड़ा सा क्विक कर लिया। तो जितने भी लंबे प्लेयर होते हैं उनके सामने काम में आता ही करा रहा। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इसका देखा उसका दोनों किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो मैंने ड्रॉप स्टेप डाला। अब तीसरा मूव खड़ा ने ड्रॉप स्टेप डाला, ड्रॉप स्टेप डाल के बाद बॉल पकड़ी, ड्रॉप स्टेप डाला, ड्रॉप स्टेप डालते स्पिन करते समय ध्यान से देखोगे, जब मेरे हाथ में बॉल थी ड्रिबल डाली किस तरफ था, कि आपकी जो नेक होती है ना ये शोल्डर की लाइन में जाती है, ठीक है। जैसे आप ऐसे करोगे आपको पहले तुरंत दिख जाएगा पीछे कौन। तो मैंने ड्रिबल डाली देखा एंड सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इसके अंदर मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि जब भी आप स्पिन मूव करते हैं, पोस्ट मूव जब भी करते हैं या कभी भी कोई भी स्पिन मूव करते हैं, आपको पहले अपनी नेक को लेके जाना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली प्लेयर्स क्या करते हैं कि दूसरे प्लेयर के अंदर, जो भी आपका डिफेंसिव प्लेयर होता है, उसके अंदर जाके हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पहले अपनी नेक को ले जाना सीखें। और ड्रॉप स्टेप, आई होप आप सबको ड्रॉप स्टेप आता होगा, और अगर आपको ड्रॉप स्टेप नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।